मंगलम प्रणीता, चिंधन प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्य गड़िनी आरिका श्री 105, सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेध शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह चार प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति, जिन धन प्रभाविका, आरिका रत्न श्री 105, सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी, अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति, जिन धन प्रभाविका, आरिका रत्न श्री 105, सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रुपए, संरक्षक 111000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 251000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02122010117277, IFSC कोड PUNB0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 93765 71003 93765 71001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। यदि पहली बार, बाद में तो बात अलग है, क्योंकि पहली बार जाती तो कहती घर है, स्वर्ग है, दूसरी 2 महीने 4 महीने बाद जाती बोले घर है, नरक है। पहली बार आती है तो चंद्रमुखी आती है, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। दो तीन बार में सूरजमुखी हो जाती, कुछ बात सुनती कुछ नहीं सुनती है, कहती अपने आप भी कर लिया करो, मैं ही करूँ क्या। बाद में तो कहती मेरा घर है तो मैं रहना तो रहो, मैं तो ऐसी करूँगी। ज्वालामुखी हो जाती, घर में रहना हराम कर देती, क्योंकि आपको पता है ये सब आपकी परिणतियां हैं, कहीं बाहर से नहीं आती हैं। ध्यान रखना, आप विचार करो कि हम कैसे जी रहे हैं। एक सम्राट के दरबार में एक पंखा बेचने वाला आया और कहने लगा पंखा बहुत अच्छा है, खराब नहीं होगा, 5 साल की गारंटी है। सम्राट ने बुलाया और बोला कि इसकी क्या विशेषता है। बोले बस विशेषता पूछो ही मत, इसको उपयोग करो तब पता चलेगा क्या विशेषता है, 5 साल की गारंटी है। और वो तो सम्राट ने पंखा लिया, चलाया, वो तो टूट गया।
सम्राट ने उसको बुलाया और बोले टूट गया पंखा, तो बोले कि मैंने कहा था 5 साल की गारंटी, बोले चलाया तो टूट गया, बोले चलाए काहे को, इसको रख लेना था, गर्दन चलानी थी। आप समझ गए, आप सब ऐसे पंखे ले आए हो घर में, गर्दन चला रहे हो, उसको नहीं चला रहे हो, जीवन मिला है उसको, हवा लेने वाले पंखे तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें जीवन का उपयोग ही नहीं आता है। तुमने सोचा था कि शादी हो जाएगी तो आनंदमय जीवन हो जाएगा, आनंद तुमने सोचा था कोई कोटी मकान फैक्ट्री खुल जाएगी तो तुम धनपति हो जाओगे, तुम महादरिद्री होके मरते हो। आते थे तो सब लोग प्यार करते थे, बुढ़ापे में सब लोग नफरत करने लगते, यही कमाई करके जाओगे। जब आए थे तो बहुत सारे लोगों का अपनत्व, प्यार, सरलता, सहजता, प्रसन्नता लेकर आए थे, और देखना 50 साल तक जाते जाते ऐसे हो जाते जैसे जली लकड़ी हो, जलने के पहले ही जल जाते हो, अस्थियां उठने के पहले तुम्हारी आस्था ही उठ जाती है। यदि परमात्मा छोटा मोटा काम नहीं करे, तुम्हें एक केस नहीं जिता दे, तुम्हारे बेटे की नौकरी नहीं लगा दे, तो कह लेंगे परमात्मा बेकार है। हमने कहा ये तो एक घुसखोर अफसर भी कर देता है, इसके इतने बड़े आदमी के लिए इतना बड़ा छोटा काम क्या बताना। सोच कर देखना, तिजोरियां भरते हो उम्र भर के लिए, तिजोरियां भरते हो उम्र भर के लिए, अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता, मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। तुम्हारी हालत, तुम्हारी चिता जलने के पहले चेतना जाग जाना चाहिए। अभी बड़ी अच्छी बात आप लोग सुन रहे थे कि आप भव्य हो, मैंने कही भव्य तो जब पता चले, जब तुम्हारे चेहरों पर थोड़ी भव्यता से दिखे। भगवान के दरबार में ऐसे आते हो जैसे किसी ने मार पीट के भेजा हो, यहाँ आते हो तो घर पे कह के आते हो बस जा रहे अभी आ रहे। हमने कहा यहाँ कोई ड्यूटी देने आते हो क्या, साइन करने आते हो, जैसे ऑफिस में नकली साइन करके घर लौट आते हो। अरे घर में कहा करो कि अब थोड़ी देर को आया हूं वापिस जाऊंगा। मैं ये नहीं कहती हूं कि आप 24 घंटे मंदिर में रहे, लेकिन दिलो और दिमाग में तो परमात्मा का लक्ष्य रहे, क्योंकि कहते हैं साथ छूटेगा कैसे मेरा फिका, साथ छूटेगा कैसे मेरा फिका, जब मेरा घर ही दिल, जब मेरा दिल ही घर बन गया फिका। बस इतनी सी पूजा है, ये 1 घंटे की नकली पूजा तुम्हें कहां ले जाएगी। सोच कर देखो, तुम 1 घंटे की पूजा में परमात्मा से मोक्ष पद चाह रहे हो, तुम्हारा नौकर 6 घंटे काम करता है तब भी तुम उसे इतनी सी तनख्वाह देते हो, तुम यहाँ 1-2 घंटे को आते हो और परमात्मा से सब कुछ मांगना चाहते हो। देते हैं वो, बहुत कुछ देते हैं। अंधे को हाथ पकड़ कर मत दिखाना, नहीं तो दूसरे दिन दूसरी उसकी समस्या आ जाएगी, भटकती है क्योंकि सुलझ नहीं पाती है। उलझन एक अगर होती है समतो, 3 नहीं आती है, आएगी। एक दिन उसको कुछ काम कर दोगे, दूसरे दिन कुछ काम बताएगा, कुछ ना कुछ उसे जरूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे अच्छा हो उसकी आंख का इलाज करा दो। हमारा इलाज भी क्या है, हमारी विषय विरक्ति हो जाए, हमें पदार्थों के प्रति बिल्कुल आसक्ति कम हो जाए। कितना जीवन लगा देते तुम कोठी बनाने में, 3-4 साल तो प्लान बनाते हो, फिर सारी जीवन की कमाई उसमें लगा देते हो। किस लिए लगा देते हो, कि लोग कहेंगे वाह क्या कोठी बनाई है। पहले कोठरियों में लोग थे, तब किलकारियां जो गूंजती थी, जब कोई आता था तो कोई कहता चाचा जी आ गए, ताऊ जी आ गए, पिताजी आ गए, मामा जी आ गए, फूफा जी आ गए। अब आओ तो सिर्फ कुत्ता और पत्नी 2 आदमी मिलते हैं। सोच कर देखना, यही जिंदगी है, ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है। और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। एक आदमी के मकान में आग लग गई, उसकी आंखों से दिखता नहीं था, तो लोगों ने बड़ा मुश्किल दौड़ धूप के, आग बहुत तेज बढ़ गई थी, और उससे पूछा कुछ रह तो नहीं गया, उसने कहा तिजोरी रह गई, उसने कहा कपड़े रह गए, कपड़े की अलमारी रह गई, कागजात रह गए। लोगों ने बड़ा मुश्किल जाकर उसे बचाया और कहा कि और कुछ तो नहीं रहेगा। कहने लगे इतना बड़ा हादसा हो गया, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, अब जाकर तुम देख लो कुछ हो तो। लोगों ने कहा आग आखिरी हद तक पहुंच गई, अब नहीं जाया जा सकता है। लेकिन उसने कहा देख लो, बचा लो, कुछ तो बचा लो, जो बच जाए वो ही बचा लो। ध्यान रखना, लोग लौट कर आए लेकिन उदास आए, क्योंकि उसका इकलौता बेटा उसमें जल कर मर गया था, उसका उसे ख्याल ही नहीं आया। उसने मकान बचाया,
तिजोरियां बचाएं, कागजात बचाएं, कपड़े बचाएं, लेकिन जो कपड़े भोगने वाला वारिस था वो वही जल के मर गया। क्या आपकी हालत ऐसी नहीं है? आप सब बचा रहे हो लेकिन जिसके लिए बचाना था उसे ही जला रहे हो। जिसके लिए रखना था सब कुछ, सच बताना, जीवन भर चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे, नर चाहे तो नर काया से नर भव सफल बनावे, ना चाहे तो पाप कमा करे दुर्गतियों में जावे। आप लोग ये मत सोचना बहुत बड़ा काम करते हो, ठीक है, परमात्मा के दर्शन से निज आत्मा की ललक उठ जाए तो परमात्मा के दर्शन आज और अभी समय तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। लेकिन तुम कैसे दर्शन करके जाते हो समझ में ही नहीं आता। कहने लगे मियाँ जी उदास क्यों? बोले शक्ल ही ऐसी है। मैंने तुम मंदिर भी आते हो बड़े उससे बोलते हो कि तुमको पूजे सुरपति ए पत नरपत देव, धन्यवाद मेरो वयो करण लगो तुम सेव, और धन्यवाद तुम्हें ऐसे क्या करे। माता जी एक महाराज के चक्कर में फंस गए थे। हमने कि महाराज चक्कर में फंसाते कि हम लोग फंसाने वाले जीव? अरे तुम ऐसे हो खुद ही जाकर मछली की तरह, मछली आटा खाने जाती और कांटे में फंस जाती है। तुम भी संसार में सुख की उम्मीद में जाते हो और कांटे में फंस जाते हो। दो पाया पैदा होते हो, छह पाया मकड़ी होकर मर जाते हो। ध्यान रखना मरने के पहले मौत आए उसके पहले अमरता का संदेश याद कर लेना। हम इसलिए नहीं आए थे सात राज्य ऊपर चढ़ के कि फिर नीचे चले जाओ। जब भी कोई मुझे जब भी कोई मरता है तो आप लोग कार्ड पर लिखते हैं कि उनका स्वर्गवास हो गया। हमने कहा तुमने टिकट बुक कराई थी क्या? स्वर्गवास हो गया तुम्हारे कहने से? सफर में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए भी तो कुछ कर ले जहां ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है। जब भी लोग कहते माता जी इसी मंदिर में रुक जाओ, उसमें तो कोई है ही नहीं, हमने कहा अभी निकला करो वरना बड़ी बेइज्जती से पूरी पंचायत आएगी निकालने के लिए। आपको पता है जीते जी बैठने नहीं आती तुम्हारे पास, जब तुम चले जाते तो लोग तुरंत बैठने आ जाते हैं, जो लगता है इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। ये बेवफाएं यदि अभी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे तुम्हें जानता नहीं। जब भी आपको पता है जो लोग बाप कहते बेटा कहता पिताजी चिंता मत करना आपका पसीना गिरेगा वहां खून गिरा देंगे, मैंने कहा चिंता मत करना जैसे तू मरेगा सबको फोन लगा देंगे ये लोग। और वो लोग भी एक भी नहीं कहता, सलाह नहीं देता है कि इतना जमीन जायदाद देगा तो कम से कम एक आध खेत में इन्हें रहने दो। तुरंत बांध बांध के इतनी बेइज्जती से ले जाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है जब मुर्दे को ले जाते हैं तो उसे दरवाजे पर और पटक के नहाते हैं। हमने कहा बेचारा इतने बड़े बड़े पलंग बनवा गया उसकी कितनी बेइज्जती कर रहे हो, कम से कम एक पलंग डाल के उसका नहलाओ, कैसे आदमी हो तुम लोग। और उसे बांधते और हो कहीं लुढ़क के बेचारा वापिस नहीं आ जाए घर में, इतनी बेइज्जती। और तुरंत हर आदमी कहता बस हम आ गए देर नहीं करेंगे, हम बस निकल गए देर नहीं होगी, बस पहुंचने वाले हैं। हमने कहा अरे बेचारे ने सारी जिंदगी घर देर कर दी, तू जलाने में देर ही नहीं कर रहा है तू। सृष्टि मंगलम प्रणीता चिंधन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गड़िनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री समेध शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, आहार औषध अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह चार प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है, मैं एक टीचर थी
अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया, मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं, मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ मैं नहीं जानती, मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र शास्त्र औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रुपए, संरक्षक 111000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 251000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120101177277, IFSC कोड PUNB0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 93765 71003 93765 71001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।